हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर वन का बैच लेकर आए हैं। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था एडवांस, इसमें हम आप लोग को बता रहे थे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जो भी छात्र अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, यह सेमेस्टर वन का बैच हम ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं और ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो छात्र अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर, जिस मोड में हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो यह जो हम सिलेबस शुरू किया था इसमें बता रहे थे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यह दिया हुआ था CC1 में। इसमें हम आप लोग को बताए थे क्लास नंबर 6 तक, आज क्लास नंबर 7 होगा। तो 6 क्लास में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया था आप लोग, और यह क्लास कंटिन्यू होगा। बीच में क्लास आप लोग को हम नहीं ले रहे थे, एक सप्ताह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, लेकिन फिर अब आप लोग का कंटिन्यू क्लास होगा। तो इसमें हम 2 यूनिट शुरू करेंगे CC1, और एक और शुरू करेंगे आप लोग को CC2 या CC3, क्योंकि 4 पेपर पढ़ना था सेमेस्टर वन में। तो 3 दिन पढ़ाएंगे आप लोग को एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और 3 दिन हम आप लोग को बताएंगे एक नया किताब जो हम आप लोग को बता देंगे। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग के बारे में, यानी इसी को 4 भाग में डिवाइड कर दिया है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को। लेकिन हम इसमें शुरू किया था आप लोग को अभी रिंग के बारे में, लेकिन रिंग बताने से पहले हम आप लोग को ग्रुप का भी परिभाषा बताए थे जो आप पाठ 3 में पढ़े थे, लेकिन हमने उसको रिवाइज किया था। जब तक वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यहाँ समझने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन जब हम बताएंगे आपको ग्रुप तो हम लोग को सिलेबस में यहाँ पढ़ना था नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल ग्रुप से। लेकिन जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया है आप लोग। आज से हम आप लोग को सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। हम आप लोग को बता रहे हैं आज यहाँ पर यह रिंग के बारे में। तो रिंग का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया था आप लोग को, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया था आप लोग को। और आज से हम आप लोग को सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं, तो रिंग क्या होगा, एबेलियन रिंग क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग क्या होगा, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। किसी भी छात्र को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे। यह ऑनलाइन क्लास पूर्णतः ऑफलाइन के जैसा ही हम बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग को पूछता है सिलेबस में कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि परिभाषा बताइए आइसोमॉर्फिज रिंग का। आइसोमॉर्फिज रिंग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा आइसोमॉर्फिज्म रिंग, तो आइसोमॉर्फिज रिंग क्या होता, थोड़ा बारीकी से ध्यान देना बाबू। अगर आइसोमॉर्फिज तो आपने पढ़ा था पाठ 2 में होमोमॉर्फिज, आइसोमॉर्फिज या कर्नल ऑफ द रिंग, कर्नल ऑफ द ग्रुप, तो उस सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा। लेकिन हम आपको एमएससी है तो एमएससी के सिलेबस बता रहे हैं, जो पीछे का चीज यूज होगा उसको आप देख लेंगे, या हमने वह बताने का प्रयास किया था, या मेरा
प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पर जाएंगे बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर, तो वहाँ पर पार्ट थ्री का जो बैच था उसमें हम बताए हुए हैं रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, तो वहाँ से आप बेसिक क्लास देख सकते हो अगर आप ना पढ़े होंगे तो। वैसे जो भी यूज होगा वह सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास करेंगे आपको, किसी भी छात्र को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर, आप संपर्क कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और इस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया है, तो जो भी छात्र अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप संपर्क कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ बता रहे हैं आइसोमॉर्फिक रिंग क्या होता। तो आइसोमॉर्फिक रिंग, तो आप बताओ, आपने पढ़ा था 11-12 में ही रिलेशन और फंक्शन, तो फंक्शन होने का यही ना परिभाषा पढ़ा था आपने कि फंक्शन होने के लिए कम से कम दो सेट होना चाहिए ए और बी। अगर ए सेट का सभी एलिमेंट अगर बी में होगा, लेकिन वह भी यूनिक इमेज होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि बहुत एलिमेंट का एक इमेज हो लेकिन एक का बहुत ना हो, बहुत का एक हो सकता, तब वह फंक्शन होगा। यहाँ कह रहा है कि आइसोमॉर्फिक रिंग क्या होगा, तो आइसोमॉर्फिक रिंग होने के लिए भी हम मान लिया कि R और R डैश कोई दो रिंग है, दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब याद करो, जब हम रिंग बता रहे हैं आप लोग को तो ग्रुप का भी काम पड़ा था, ग्रुप का भी काम पड़ा था, तो सारा छः क्लास में हम जितना कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किए थे। जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप मेरे चैनल पर जाके और पिछला क्लास जरूर देख लेना, ताकि यहाँ दिक्कत ना हो। उसे दिक्कत हम किसी कीमत पर आपको नहीं होने देंगे जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं आपको। लेकिन एमएससी है, एमएससी में 100% थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक क्लास में दो ही क्वेश्चन हो लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन, और 100% क्वेश्चन आपसे बनेगा। और यह जो हम एमएससी बता रहे ना, इसके साथ साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, यानी इसके लायक आप नेट, गेट, पीएचडी, इस सब का भी एग्जाम में यह आपका रामबाण बैच साबित होगा। चलिए, तो आइसोमॉर्फिक रिंग क्या होगा। तो मैंने कहा आइसोमॉर्फिक रिंग होने के लिए, तो पहला कॉन्सेप्ट था होमोमॉर्फिक, तो होमोमॉर्फिक का मतलब आप कहिए सर अब होमोमॉर्फिक के बारे में बताइए, तो होमोमॉर्फिक आपने पढ़ा था कि मान लो, तो ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं होमोमॉर्फिक का मतलब कि ए और बी या आर और आर डैश कोई दो रिंग है, तो इस एस आर के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका सभी एलिमेंट अगर बी में हो यानी आर डैश में हो, तो फंक्शन ऑफ ए उसमें आर डैश में हो, इसमें ए एलिमेंट अभी बता रहे हैं हम यहाँ से कॉन्सेप्ट। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए यहाँ पर परिभाषा था कि कोई भी फंक्शन है वह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वही होमोमॉर्फिज्म फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वह फंक्शन, फंक्शन को ही दूसरे केस में मैपिंग भी कहा जाता, तो वह फंक्शन 1-1 फंक्शन होना चाहिए और ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए, दोनों रूल को पालन करेगा, तो वैसे फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता। पहला तो हो गया होमोमॉर्फिज, होमोमॉर्फिज तो होना ही चाहिए। याद करो, यहाँ से आपने पढ़ा होगा होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप या होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग, या होमोमॉर्फिज्म ग्रुप में भी आता है और रिंग में भी आता है। अगर आप रिंग पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर रिंग ही लिख दो, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए रिंग। तो होमोमॉर्फिज्म होने का मतलब हुआ कि मान लिया यह आर और आर डैश, यह दो रिंग है आर और आर डैश। हम बेसिक में सारा कॉन्सेप्ट बता दिए थे, यहाँ कन्फ्यूज नहीं करेंगे आप। तो मान लो R के अंदर एलिमेंट है A और B,
तो एक का आर का इमेज अगर आर डैश में गया तो इसको एफ से डिनोट किया, यही एक फंक्शन है। तो मान लो ए का मान अगर गया इसमें तो जगह फंक्शन ऑफ ए, और बी का मान गया तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी। तो यही एक फंक्शन है, तो इसको कहेगा एफ सच दैट आर टेंस टू आर डैश इतना इज सैड टू बी ए होमोमॉर्फिज्म रिंग। यह होमोमॉर्फिज्म होगा, इसका कंडीशन है कि फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी। यहाँ पर हम कहेंगे यह होमोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ इस तरह से, यह ओ और ओ डैश या स्टार यह भी क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो हमने कहा था आप लोग को कि रिंग में दोनों केस का यूज होगा, एडिशन का भी और मल्टीप्लिकेशन का। तो फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन बी बराबर फंक्शन ऑफ ए ऑपरेशन फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा अगर इस रूल को पालन करेगा। तो यह जो फंक्शन लिया यह होमोमॉर्फिज रिंग होगा। अब मेरा कहने का मतलब हुआ, यहाँ से कहेंगे फोर और यह ए और बी अगर एलिमेंट है आर का, तब यहाँ से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी एलिमेंट है आर डैश का, इसका एलिमेंट है, क्लियर। लेकिन अब आपके सिलेबस में है यहाँ पर कि आइसोमॉर्फिज रिंग किसे कहते हैं। आइसोमॉर्फिज रिंग का प्रॉपर्टीज आप लोग से पूछ देगा, तो आइसोमॉर्फिज रिंग का प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालोगे। तो हम एक के बाद एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, थोड़ा बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम को मैंने यहाँ पर हम जो हेडिंग मारे थे आपको यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने कहा कि आइसोमॉर्फिज रिंग क्या होगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो आइसोमॉर्फिज रिंग क्या होगा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, और बड़ा ही सिंपल तरीका से हम परिभाषा आपको लिखा रहे हैं, और संजोग से इस किताब में 100% लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो आइसोमॉर्फिज रिंग के लिए मैंने कहा कि मान लेते हैं यह रिंग का यह कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, दो रिंग है, मान लो यह आर और यह है आर डैश। मान लो इसका एलिमेंट अगर इसमें गया, इसको एफ से डिनोट किया, यह जो एफ एक फंक्शन है एफ सच दैट आर टेंस टू आर डैश, यही एक फंक्शन हो गया। इस तरह से ली फंक्शन कहो या मैपिंग कहो, कहीं कहीं किताब में फंक्शन के जगह मैपिंग भी लिखा रहा था। तो आइसोमॉर्फिज रिंग का परिभाषा आप लोग लिखेंगे, इसका परिभाषा हम लोग कह रहे हैं आइसोमॉर्फिज रिंग का डिफिनीशन हो जाएगा। तो आप बारीकी से ध्यान देना बाबू, आइसोमॉर्फिज रिंग का परिभाषा सबसे सिंपल परिभाषा बता रहे हैं, ए होमोमॉर्फिज्म एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम ए रिंग आर इनटू आर डैश, मतलब आर का एलिमेंट आर डैश में गया, इतना इज सैड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म रिंग। यह आइसोमॉर्फिज रिंग होगा कब, यहाँ से कहेंगे इफ या आई डबल एफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ, अदि और सिर्फ अदि, या इफ लिखो या आई डबल एफ लिख सकते हो। तो क्या कहना है यहाँ पर, यह जो फंक्शन है यह यहाँ पर लिख दिया कि होमोमॉर्फिज्म है, नहीं तो यहाँ पर लिखते हैं पहला नंबर में कि यह जो फंक्शन है ना एफ, यह होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यह वन वन फंक्शन होना चाहिए और ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए। और याद करो आपने 12 में ही पढ़ा था रिलेशन और फंक्शन, तो आपने पढ़ा था कि वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो तो वैसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहा जाता,
यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो, और एक बताए थे ऑन्टो फंक्शन कि कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या बराबर हो, वैसे फंक्शन को ऑन्टो फंक्शन कहा जाता। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। तो हम बड़ा सिंपल में परिभाषा लिखा रहे हैं आप लोग को, बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा, बार बार कह रहे हैं, आज से ही आपका सिलेबस शुरू हुआ है। अभी तक जो हम 6 क्लास पढ़ाए थे आप लोग को वह तो बेसिक बता रहे, MSc का सिलेबस आज से शुरू हुआ है। आप देखोगे आज से जो भी हम पढ़ाएंगे ना आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके किताब में, आपके सिलेबस में यह सब क्वेश्चन मिलेगा आपको। लेकिन 100% लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो बारीकी से आप लोग कंटिन्यू भी क्लास करेंगे तब फायदा होगा आपको, क्योंकि हर एक क्लास में पहला क्लास का यूज होगा दूसरे क्लास में, यानी पिछला क्लास करना जरूरी है आपको, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। लेकिन यह ऑनलाइन क्लास हम बार बार कह रहे हैं आप लोग को कि ऑफलाइन के जैसा ही हम बता रहे हैं, क्लियर है सर? क्या कहें बाबू कि कोई भी रिंग आइसोमॉर्फिज्म होगा तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए वह रिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, जैसा भी कहा। फिर पहला नंबर कह दिया यह जो फंक्शन है एफ इज, यह वन वन फंक्शन होना चाहिए, और सेकेंड नंबर एफ इज एन ऑन्टो फंक्शन होना चाहिए, यह जो फंक्शन है ना यह वन वन फंक्शन भी होना चाहिए, ऑन्टो फंक्शन भी होना चाहिए और होमोमॉर्फिज भी होना चाहिए। तब कहेंगे कि यह जो फंक्शन है यह आइसोमॉर्फिज्म है, लेकिन यह आइसोमॉर्फिज रिंग है। सेकंड आपको पूछ देगा कि यहाँ पर लेफ्ट आइडिया राइट आइडिया सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और एक के बाद एक हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और आपको पूछा हुआ एग्जाम में डिफाइन आइसोमॉर्फिज रिंग, जब आइसोमॉर्फिज रिंग पूछेगा तो इस तरह से आपको परिभाषा बताना होगा। अब यहाँ पर कह रहा बाबू बड़ा ही सिंपल है, करा क्वेश्चन रिंग किसे कहते, ध्यान दीजिएगा, करा क्वेश्चन रिंग किसे कहते, ध्यान दीजिए बारीकी से, क्वेश्चन का मतलब होता भागा, तो क्वेश्चन रिंग किसे कहा जाता। तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में रिंग का भी परिभाषा और आइडियर का भी परिभाषा यहाँ यूज पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन रिंग का परिभाषा हम बड़ा सिंपल लिखा रहे हैं, क्वेश्चन रिंग का परिभाषा हम लिखा रहे हैं कि मान लो R कोई भी एक रिंग है और S कोई भी एक आइडियर है उस रिंग का। आइडियर बताए थे प्रिंसिपल आइडियर, बताए थे लेफ्ट आइडियर राइट आइडियर, पिछले 6 क्लास में हम आप लोग को बेसिक ही बता रहे थे। लेकिन यह MSc है बाबू, तो MSc का सिलेबस बता रहे, पिछला का जो यूज होता वह सारा चीज हम बताने का प्रयास किया है पिछले 6 क्लास में। आज से हम सिलेबस से प्रवेश किए हैं, किसी भी छात्र को डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आप पाथरी में नहीं पढ़े हो, अगर पाथरी का सिलेबस देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाए, वहाँ प्ले लिस्ट है, या आप एक एक वीडियो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे मिल जाएगा, या हमको आप कमेंट करोगे तो हम पर्सनली आपको वह क्लास लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ से क्लास देख सकते हो। लेकिन तब भी जहाँ यूज होता है जो पातू पाथरी में पढ़े हो उसको हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं होगा आपको, और यह क्लास डेली है, कंटिन्यू क्लास होगा आपको। तो क्वेश्चन रिंग का परिभाषा कहेंगे कि मान लिया आर कोई भी एक रिंग है और एस कोई भी एक आइडियर है, तब वह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्वेश्चन का मतलब भागा, भागा का मतलब आर बाय एस, और यह जो क्वेश्चन रिंग है तो पहले मैंने बताया था कि ऑपरेशन का 4 गो साइन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन
मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडिंग, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ दो ही केस में लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। लेकिन रिंग में दोनों साइन का काम पड़ेगा, एडिशन का भी और मल्टीप्लीकेशन का भी। क्लियर? तो बड़ा सिंपल परिभाषा पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन रिंग का परिभाषा बताइए, इसका डेफिनेशन हम लिखा रहे हैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में। हम मान लिया यहाँ से लेट आर, मान लिया आर कोई भी एक रिंग है, लेट आर बी ए रिंग, मान लिया आर कोई भी रिंग है एंड या एस बी द, मान लिया एस यहाँ आइडियल है, एस बी द एनी आइडियल ऑफ आर। तब कह रहा है क्वेश्चन बाबू, देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे, देन द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तो बीजगणित है, तो यह हो जाएगा आर बटा एस कॉमा प्लस कॉमा इनटू आर बाई एस, मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब भागा आर बाई एस, आई एडिशन आई यह मल्टीप्लेस, यह दोनों बाइनरी ऑपरेशन है। इतना जहाँ कहेंगे हम लोग यहाँ पर होयर, यह जो आर बाई एस लिखा ना, तो आर बाई एस बराबर यह परिभाषा होता कि यह हो जाएगा ए प्लस एस, जहाँ कह सकते हो कि यह यहाँ से कह सकते थे आप होयर, यह जो ए है ना, यह ए एलिमेंट है रिंग का आर का, एंड द बाइनरी ऑपरेशन, यह जो प्लस का साइन लिखा ना, ये प्लस का साइन लिखा ना, ये कॉमा लिखा है बाबू यहाँ पर, यह जो है ना, यह कॉमा है, बारीकी से ध्यान देगा, यह प्लस का मतलब हो गया एडिशन, यह ऑपरेशन का साइन या बाइनरी ऑपरेशन का होगी, जो प्लस है ना, प्लस एंड यह जो लिया इनटू, इसको हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेशन। बड़ा सिंपल लैंग्वेज है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑन या आर बाई एस, इतना डिफाइंड एज फॉलो, जो इस नियम को पालन करे। क्या नियम है बाबू? क्वेश्चेंट रिंग होने के लिए क्या कंडीशन है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है कि यह ए प्लस एस प्लस यह बी प्लस एस, यहाँ से ध्यान देना होगा यह ए और बी एलिमेंट है आर का और एस यहाँ आइडियल है, इसलिए यहाँ से कहेंगे यह प्लस के साइन में है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा ए प्लस बी आ प्लस एस, एंड अगर यह गुना के केस में होता कि ए प्लस एस इंटू बी प्लस एस, तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी प्लस एस, इस तरह से लिखते हैं। जहाँ कहेंगे यहाँ पर हम लोग यह जो ए और बी है ना, यह ए और बी एलिमेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा यह जो साइन लिखे हम ना यहाँ पर, इस साइन को पढ़ेंगे फोर ऑल, यह हो जाएगा ए और बी एलिमेंट है आर का। क्लियर है? यह जो साइन है ना बुआ, यह साइन को पढ़ा जाता फोर ऑल, और ऐसा साइन लिखेंगे उल्टा ई, तो इसको पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट, इसको देखिएगा आप, यह सभी ए और बी एलिमेंट है किसका? आर का। आर क्या है? यहाँ रिंग है। इतना फॉर्म ए रिंग आर, ठीक है? तब कहेंगे यह जो रिंग है ना आर, इसी को कहा जाता कि दिस रिंग इज कॉल्ड क्वेश्चेंट रिंग, या क्वेश्चेंट रिंग होगा ऑफ आर का
किसके स्पेस में कहेंगे विथ रिस्पेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द, विथ रिस्पेक्ट टू द आइडियर, यस आइडियर के रिस्पेक्ट में। तो यही जो क्वेश्चेंट रिंग होगा ना, क्वेश्चेंट रिंग को ही दूसरे केस में कहा जाता है क्लास रिंग, ठीक है। इसको आप यहां से लिख सकते हो कि दिस क्वेश्चेंट रिंग इज, दिस क्वेश्चेंट रिंग इज आल्सो कॉल्ड, कहा जाता क्लास रिंग, यानी दूसरे केस में क्वेश्चेंट रिंग को ही क्लास रिंग भी कहा जाता। यहाँ तक क्लियर है? तो बुआ अगर कोई भी क्वेश्चेंट रिंग होगा ना, अगर कोई भी क्वेश्चेंट रिंग होगा तो जीरो एलिमेंट जो होगा क्वेश्चेंट रिंग का वह एस का होगा, यूनिक एलिमेंट होगा तो इस तरह से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह नोट में लिखा देते हैं, हम आगे इसका यूज करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज रिंग समझ गए, क्वेश्चेंट रिंग समझ गए। यह आपको शॉर्ट में पूछ सकता है कि परिभाषा बताइए क्वेश्चेंट रिंग का, परिभाषा बताइए आइसोमॉर्फिज रिंग का। यह नोट में लिखा रहे बाबू, तो बारीकी से इसको ध्यान दीजिएगा। यह नोट में लिखा रहे हम आपको, ठीक है। तो नोट में क्या लिखा है, पहला नंबर कि जीरो जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस इज एस। अगर जीरो एलिमेंट होगा तो सिर्फ आर बाई एस इज मतलब बराबर एस होगा। अगर यहाँ यूनिट एलिमेंट होता, सेकेंड नंबर कि यूनिट एलिमेंट ऑफ आर बाई एस इज, या एस प्लस वन होगा। अगर दो एलिमेंट आपस में बराबर है इस तरह से, थर्ड नंबर में कहा कि इफ एस प्लस ए बराबर है एस प्लस बी, तो इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो जाएगा कि ए माइनस बी आल्सो एलिमेंट होगा एस का। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर आता है बाबू, हम लोग को पूछता भी है कि आइडियर, आइडियर का परिभाषा बताइए, डिफाइन आइडियर ऑफ रिंग, डिफाइन आइडियर ऑफ रिंग। यह क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है हम लोग का। यहाँ पर पूछेगा कि डिफाइन 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 आइडियल ऑफ रिंग, मतलब परिभाषा बताइए आइडियल रिंग का क्या होगा, डिफाइन आइडियल रिंग, ठीक है। कह रहा है कि डिफाइन आइडियल रिंग, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आइडियल रिंग का परिभाषा बताइए, इसलिए कह देगा डिफाइन आइडियल या डिफाइन आइडियल रिंग या आइडियल ऑफ रिंग, एक ही चीज हुआ, डिफाइन आइडियल ऑफ रिंग। डिफाइन का मतलब सिर्फ आपको परिभाषा बताना है। तो आपने पार्ट थ्री में भी पढ़ा था, हम बताए थे, यहाँ भी यूज पड़ेगा, तो आपने पढ़ा भी था, हम भी बताए थे कंसीलेशन लॉ। कंसीलेशन लॉ दो प्रकार का होता था, लेफ्ट कंसीलेशन लॉ और राइट कंसीलेशन लॉ। उसी तरह से आइडियल में भी होता है दो प्रकार का, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो हमको सिर्फ यहाँ पर इसका परिभाषा पूछ रहा है, इसका परिभाषा बड़ा सिंपल तरीका से आप लिख सकते हो, है ना। आइडियल या डिफाइन आइडियल रिंग का परिभाषा बड़ा सिंपल तरीका से आप लिख सकते हो। तो लिखा जा कि मान लिया कोई भी एक सबसेट है, यानी एस किसका, वह सबसेट होगा किसी भी रिंग का, वह सबसेट होगा किसी भी रिंग का। इसका सिंपल परिभाषा लिखा जा कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट, मान ले सेट थ्योरी में पढ़ा था सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा,
तो ए नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है, जो भी सबसेट है सबसेट या एस ऑफ ए रिंग आर इज सैड टू बी एन आइडियल ऑफ आइडियल ऑफ रिंग आर कब इफ इट इज बोथ बोथ का मतलब हो गया लेफ्ट एंड राइट आइडिया, तो दोनों आइडिया को सेटिस्फाई करें लेफ्ट और राइट आइडिया, मतलब आइडिया का परिभाषा कहेंगे कि कोई भी अगर आइडिया है ना वह लेफ्ट आइडिया और राइट आइडिया दोनों को मिला के कहेंगे हम लोग, दोनों को मिला के कहेंगे आइडिया। तो अब यहाँ आता है कि लेफ्ट आइडिया और राइट आइडिया क्या होता, तो लेफ्ट से गुना करेंगे तो लेफ्ट और राइट तरफ से करें तो राइट आइडिया। तो हम अभी आपको बता देते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यह जो सब ग्रुप है उस आर का वह आइडियल होगा। तो क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो दैट इज हम मान लिया यहाँ से दैट इज कोई भी एलिमेंट है, तो आपने पढ़ा था बाबू अभी मैंने कहा यहां से परिभाषा बताते हैं डिफाइन आइडियल ऑफ रिंग, तो कोई भी एस सबसेट है किसी भी रिंग आर का, वह रिंग आर सब आइडियल कहलाएगा जब वह लेफ्ट और राइट दोनों को पालन करेगा। मान लेते हैं यहां से हमने कहा यहां पर दैट इज, यहां पर मैंने कहा कि दैट इज, मान लिया बाबू कि दैट इज एन एडिटिव सब ग्रुप एस ऑफ आर इज एन आइडियल ऑफ आर कब इफ, मान लिया कि यह ए एलिमेंट एस का और आर एलिमेंट आर का, तब देन या इम्प्लाइज दैट या आर इंटू ए आल्सो एलिमेंट एस का, ठीक है, ए इंटू आर अगर लेफ्ट से गुना किया जगह आर इंटू ए या ए इंटू आर आल्सो एलिमेंट एस का, तो यही हो गया। अगर राइट से गुना किया तो राइट आइडिया और लेफ्ट से किया तो लेफ्ट आइडिया। इसको हम क्लियर करके यहाँ बता देते हैं आपको कि मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि यह आइडियर है, मान लिया कि यह एक आइडियर है, तो आइडियर दो प्रकार का होता है, एक होता है लेफ्ट आइडियर और दूसरा होता हुआ राइट आइडियर। एकदम जीरो से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका परिभाषा हम यहीं से आपको लिख देते हैं। देखो क्या कह रहा है बाबू, तो आप बारीकी से ध्यान दीजिए सब आदमी, कह रहा कि आइडियल दो प्रकार का होता है लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट से गुना किया, राइट मतलब राइट से गुना करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे परिभाषा बता रहे हैं। लेफ्ट आइडियल का डिफिनीशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बड़ा सिंपल तरीका से, मान लो कोई भी एडिटिव सब ग्रुप है, यहाँ से कहेंगे एन एडिटिव सब ग्रुप एस ऑफ ए रिंग आर इज
शायद टू बी ए लेफ्ट आइडियर ऑफ आर कब इफ, मान लिया यहाँ से यह ए एलिमेंट एस का और आर एलिमेंट आर का, तो इम्प्लाइज़ यहाँ आर इंटू ए आल्सो एलिमेंट एस का, ठीक है। और राइट में लेंगे तो यही परिभाषा सेम लिखेंगे, तो यहाँ से कहेंगे कि मान लेते हैं यहाँ से कि इफ ए एलिमेंट एस का और आर एलिमेंट आर का, तब यहाँ से कहेंगे देन ए इंटू आर आल्सो एलिमेंट एस का, तो दिस इज द राइट आइडिया, दिस इज द लेफ्ट आइडिया। तो इस तरह से अगर हम आर से गुना किया लेफ्ट से या राइट से, तो लेफ्ट और राइट क्लियर हो गया आप लोग को, तो लेफ्ट आइडियर और राइट आइडियर के बारे में आप समझ गए। एक आता है यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियर, पूछा हुआ क्वेश्चन है हम लोग को, यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बारीकी से ध्यान देना बाबू। एक आता है यहाँ पर प्रिंसिपल आइडियर पूछ देगा ना कि डिफाइन प्रिंसिपल आइडियर, यानी प्रिंसिपल आइडियर का परिभाषा बताइए। तो प्रिंसिपल आइडियर क्या होता, ध्यान दीजिए कि मान लिया कोई भी आइडियर है यानी एस, वह एस सबसेट है आर का, और आर कोई भी रिंग है, वही रिंग प्रिंसिपल आइडियर रिंग होगा जो सिंगल एलिमेंट को पालन करेगा। क्या एलिमेंट होगा बब, बड़ा सिंपल तरीका से आप परिभाषा इसका लिख सकते हो, बड़ा सिंपल तरीका से हम इसका परिभाषा लिखा रहे हैं, तो आप लिखेंगे इसका डिफिनीशन प्रिंसिपल आइडियर का परिभाषा लिखा जाए, कोई भी आइडियर है एन आइडियर, मान लो एस किसी भी रिंग का, ऑफ ए रिंग आर इज सैड टू बी ए प्रिंसिपल आइडियर, प्रिंसिपल आइडियर कब इफ इट इज जनरली, मतलब प्राय इट इज जनरली ए सिंगल एलिमेंट ऑफ एस। जैसे मान लिया जाए इज या ए एलिमेंट एस का, तब कहेंगे देन या एस बराबर यह एक सेट आ गया जीरो, ऐसे लिखो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एस बराबर यह जीरो, मतलब एस कोई भी आइडियर है और आर कोई भी रिंग है, वही रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगा जब सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए एलिमेंट एस का, ठीक ना। तो यह प्रिंसिपल आइडियल का परिभाषा होगी आपको। प्रिंसिपल आइडियल के बाद एक आता है यूनिट आइडियल, यूनिट आइडियल किसे कहते, और हम आशा करेंगे जरूर समझ में आना चाहिए सभी व्यक्ति को, जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करेंगे आप लोग, बार बार कर रहे हैं बाबू। एक यहाँ पर देते हैं, यह हो गया यूनिट आइडियल, सिर्फ लैंग्वेज तो है, एक उस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। यूनिट आइडियल का परिभाषा लिखा जा, यूनिट आइडियल किसे कहते, पूछ दे कहीं एग्जाम में डिफाइन यूनिट आइडियल, यूनिट आइडियल का परिभाषा बताइए। चलो तो यूनिट आइडियल का परिभाषा लिखा जाए, मान लेते हैं यहाँ से कि इफ आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, इफ आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, बताए थे जब हम बेसिक पढ़ाए थे आप लोग को, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, ई का मान जीरो होगा और वन होगा,
जीरो होगा प्लस के केस में और वन होगा गुना के केस में। तो बारीकी से ध्यान देना है, कह रहा कि यूनिट आइडियर का मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब ई, ई का मान हुआ। तो मान लिया आर कोई भी रिंग है विथ यूनिटी, तब कह रहा देन द आइडियर, देन द आइडियर ठीक है जनरेटेड बाय वन, या इसी को दैट कहीं कहीं ऐसे में या वन ऐसे भी लिख सकते हो, इतना इज द रिंग इटसेल्फ या अपने आप में एक रिंग होगा। इसका मतलब हो गया बिकॉज बिकॉज मान लिया कि आर इंटू वन बराबर आर, तो यहाँ से कहेंगे फोर और या आर एलिमेंट है आर का है ना, आर इंटू वन बराबर आर हो जाए जहाँ आर एलिमेंट है किसी भी रिंग का, तब यह जो रिंग होगा ना या इसी को यूनिट रिंग कहा जाता है, यूनिट आइडियल कहा जाता है, इसलिए कहेंगे देयर फोर द रिंग आर इट सेल्फ इज कॉल्ड कहा जाता यूनिट आइडिया, इसी को यूनिट आइडिया कहा जाता। तो यूनिट आइडिया के बाद एक आता है नल आइडिया। नल आइडिया क्या होता, हम इसलिए बता रहे हैं आप लोग को कि इस सब का यूज पढ़ने जा रहा है बाबू। एक यहाँ पर आता है नल आइडिया नल आइडिया का परिभाषा लिख लिया जाए। मान लिया आर कोई भी रिंग है, नल मतलब जीरो, उच्च जीरो एलिमेंट ठीक ना, बस यूनिट का मतलब वन और जीरो का मतलब जीरो। इसका सिंपल परिभाषा कि इफ आर इज ए रिंग, मान लिया आर कोई भी एक रिंग है विथ जीरो, इसका मतलब हो गया देन द आइडियर जनरेटेड बाय जीरो या दैट इज जीरो ऐसे भी लिख सकते हो, इसी का इतना इज कॉल्ड नल आइडियर बिकॉज, इसका मतलब कहेंगे आर इंटू जीरो बराबर जीरो फॉर ऑल आर एलिमेंट आर का, आर इंटू जीरो बराबर जीरो होना चाहिए, तब यहां से कहेंगे दैट इज या जीरो इतना कॉन्टेंस ऑफ द जीरो एलिमेंट एलोन, सिर्फ जीरो एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ जीरो एलिमेंट होना चाहिए, दिस इज द नल आइडियल। तो इस तरह से अब यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो आप याद रख सकते हो बाबू, कोई भी अगर रिंग है वह प्रिंसिपल आइडियल होगा, इसका मतलब या तो जीरो होगा है ना, यूनिट होगा तो उसमें कम से कम जीरो भी होगा और वन भी होगा। तो वह सब हम बताएंगे आपको अगले क्लास में, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में इसका अगला सेशन लेकर आते हैं, और इसमें 100% थ्योरी है, इसलिए बारीकी से आप क्लास करेंगे और कंटिन्यू क्लास करेंगे, एक भी क्लास आप मिस ना करेंगे। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाके उस क्लास को देख लेंगे, और हम आप लोग को PTF
भी हम आप लोग को भेजेंगे, असाइनमेंट भी देंगे आप लोग को, और इसमें पूरे कॉन्सेप्ट है, सिर्फ थ्योरी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपने पाथ्री में भी पढ़ा था, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यहाँ थोड़ा उसका हाई लेवल है, यानी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एक के बाद एक क्रमबद्ध हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करेंगे, और किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप बारीकी से क्लास करेंगे तो, कारण इसमें 100% लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो फिर अगले क्लास में इसका अगला सेशन लेकर मिलते हैं इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।